अभी हम देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, जो सेल वॉल का बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है, एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव क्यों कहा जाता है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है। ऑलरेडी हम जो जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं बीएससी में ऑलरेडी हम कर चुके हैं ग्राम स्टेनिंग, एक जो टेस्ट होता है ऑलरेडी हम बीएससी में कर चुके हैं, तो वो और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एग्जांपल क्या है आप देख लेना, ऑलरेडी गूगल में आपको मिल जाएगा। हम एग्जांपल के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या क्या है, पहले हो गया हमारा मेम्ब्रेन साइटोसोल, बाहर की तरफ क्या है हमारा इनर मेम्ब्रेन, जिसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। अभी इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, इसको ही कहा जाता है सेल वॉल, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है इसको ही कहा जाता है सेल वॉल, एंड इसके ऊपर की तरफ आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसका नाम है टीकोइक एसिड। क्या नाम है? टीकोइक एसिड। टीकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में मिल रहा है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है उसको ही कहा जाता है सेल लेयर, सेल वॉल, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। दूसरी तरफ अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम आते हैं तो उसके अंदर भी साइटोसोल है, ठीक है कोई बात नहीं, इनर मेम्ब्रेन इसका भी है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है कोई बात, पर यहाँ पर एक चीज है, ये है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो कि जो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ज्यादा है, पर ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का थिकनेस है वो बहुत ही कम है। दूसरी तरफ ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर आउटर मेम्ब्रेन देखा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, एक लिपोपॉलीसेकेराइड LPS आउटर लिपलेट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में क्या देखा जाता है, लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसको LPS शॉर्ट में कहा जाता है लेयर, वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऐसा कोई लिपोपॉलीसेकेराइड का कोई लेयर नहीं है, कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज़, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, इसका मतलब ग्राम स्टेनिंग में यूज़ किया जाता है हमारा क्रिस्टल वायलेट जो स्टेन है। जब पेप्टाइडोग्लाइकन, ये जो ग्राम पॉजिटिव लेयर में जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, जब हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस करते हैं क्रिस्टल वायलेट का स्टेन देते हैं, तो क्या होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्रिस्टल वायलेट को पकड़ लेता है, और वह आफ्टर वॉशिंग, वॉश करने के बाद हमें एक पर्पल कलर्ड मिलता है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है वो पर्पल कलर को ले लेता है। सो अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक पर्पल कलर्ड का हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज है वो उसका बाहर की तरफ जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन को ले लेता है और एक पर्पल कलर देता है। सो दैट इज व्हाई पॉजिटिव रिजल्ट इन ग्राम स्टेन। ये जो टेस्ट है क्रिस्टल वायलेट का, ये जो स्टेनिंग प्रोसेस, इसको कहा जाता है ग्राम स्टेन टेस्ट, एंड इसमें क्या है एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव जो हमारा बैक्टीरिया है वो, ये जो ग्राम स्टेन टेस्ट है इसमें नेगेटिव रिजल्ट देता है, मतलब कोई कैन नॉट रिटेन द वायलेट स्टेन। इसका जो सेल वॉल है बाहर की तरफ क्या रहता है आउटर मेम्ब्रेन, एंड इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकन भी आप देख सकते हो थिकनेस बहुत ही कम है, तो जनरली ये जो वायलेट स्टेन है इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए इसको कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है इसमें, इसके बीच में, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है बहुत एक मोटा लेयर होता है, फिर भी
ये एंटीबायोटिक में, एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो लिपो पॉलीसेकेराइड जो लेयर है आउटर लिपलेट में, आउटर मेम्ब्रेन में, ये लिपो पॉलीसेकेराइड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को रेजिस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है जो बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से। थैंक यू। अगर ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है लाइक टिकोइक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, इसके बारे में, अगर इसका रोल के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना, डिटेल में उसका जो रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।